नवा के अपडेट का नालो अहम खबर है। सिंध हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट तरफा वो रिलीफ मिली वो है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेम्बर की मुकरी कलदम करार दियण खिलाफ अपीलू बुधनी लाए मंजूर कई केस की बुधनी दिसंबर के पे हफ्ते में थी। सिंध हुकूमत हाई कोर्ट जो फैसलो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो अवे अपडेट कहूँ अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट अपीलों से फैसलो अचण ताई चेयरमैन मेम्बर के कम जारी रखने की इजाजत दई छी है। अदालती फैसले के नतीजे में फारिग थियल ऑफिसर मुलाजमन के भी कम जारी रखने की इजाजत दिनी वही है। खबर अवसर शेयर कहूँ अहम खबर है। सिंध हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट तरफा वो रिलीफ मिली वो है। तफसील मालूम कदासी इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच खा जी कुर्बान अपडेट कजो। जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध के नौजवान के वो अहम रिलीफ दिनों है। सुप्रीम कोर्ट जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से सिंध हाई कोर्ट की पाबंदी हुई या उनकी चेयरमैन तैनाती के कलादम करार दिनों हो उन खिलाफ सिंध हुकूमत की दरखास्त है अपील है वह सुनवाई लाइ मुलतवी कई मुकर कई है कबूल कई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अपील से फैसले ताई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर की मुकर रही है उनके कायम रखो है उनके कम जारी करने की हिदायत कई है। यो जानायो है जिके इन अदालती फैसले के नतीजे में जिके ऑफिसर या मुलाजिम जिके फारिग थिया उहे भी कम जारी रखी सकंदा। अज सुप्रीम कोर्ट के रुकनी बेंच आदो सिंध हुकूमत की गादर अपील हुई उनकी सुनवाई थी उन में सुप्रीम कोर्ट या दरख्वास्त है अपील है वह सुनवाई लाइ मंजूर कई है फैसलो दिनों है तो जेस तीन हतमी फैसलो अचे तेस तीन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर जिनके सिंध हाई कोर्ट तरफा मुलाजिमन के ऑफिसर के मुअत्तल किया वो है वो कम जारी रखी सकता उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अपील से सुनवाई है वो दिसंबर के विच तीन मुलतवी कर छी है। मेहरबानी वहां से पेश करना है।